अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी हूँ आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक। उम्मीद करती हूँ आप भी होंगे बिल्कुल ठीक और खैरियत से। तो जी स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग मेरे चैनल पर जिसका नाम है पाकीज़ा। तो जी देख सकते हैं ये मंजर सुबह का बारिश के बाद का। कल के ब्लॉग में मैंने आपको दिखाई थी बारिश, तो ये देखिए कितना खूबसूरत मंजर है, बारिश के बाद का है ये मंजर। तो जी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइज ये है सुबह के 9 बज रहे हैं, टाइम हो रहा है सुबह का 9। तो जी ये देखिए ये है खूबसूरत मंजर। तो जी आयशा की चल रही है यहाँ पर मस्ती, ये है मेरी छोटी बिटिया, तो इनकी फुल धमाल चल रही है मस्ती। बड़ी बेटी सो रही है, अरे गिर गई है ये। अब देखिए बस इनकी मस्ती चलती रहेगी इस तरह से। अब जा रही हूँ मैं नाश्ते की तैयारी। तो जी हाँ गाइस, आज मैं लाई हूँ आपके लिए हरी मिर्च कीमे की रेसिपी। थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे। तो जी ये हरी मिर्च कीमे की। तो गाइस ये मेरा है 3 पाव कीमा जो मैंने अच्छे से वॉश कर दिया था। ये है मेरी 3 बड़ी बड़ी प्याज, ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये है कुछ खड़े मसाले, ये है कुछ काली मिर्च, ये है 5-6 लौंग्स, ये है 2 तेज़पत्ते, एंड ये 1 चम्मच जीरा, 1 मोटी इलायची। तो जी ये मेरा तेल हो चुका है गरम, तो इसमें मैं डालूंगी पहले थोड़ी सी प्याज। तो ये पूरी प्याज अभी नहीं डालनी है, इसमें से थोड़ी सी प्याज लेकर मुझे थोड़ा सा कीमा फ्राई करना है जिससे कि गोश्त की जो गंध एक स्मेल होती है वो निकल जाए। तो देखिए गाइस ये थोड़ी सी प्याज मेरी हो जाए फ्राई, इसमें मैं डाल दूंगी अपना कीमा जो कि मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके रखा है। तो मेरी प्याज हो चुकी है, अब मैं डाल दूंगी इसमें कीमा। तो ये है मेरा 3 पाव कीमा। तो गाइस देखिए अब मैं इसमें कीमा डालकर थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी अपना। तो मैंने ये लिए 3 पाव में 3 बड़ी प्याज, मेरे शौहर प्याज कम खाते हैं, बाकी इसमें थोड़ी ज़्यादा प्याज जाती है, आप चाहें तो इसमें थोड़ी प्याज बढ़ा सकते हैं। तो जी ये देखिए मैं कर लूँगी इसको अच्छे से फ्राई। तेल में प्याज डाल के थोड़ा सा पहले गोश्त ही छोड़ना चाहिए जिससे कि गंध गोश्त का है कि स्मेल होती है कि इसकी जो निकल जाए, जो मछलियाँ कहते हैं वो नहीं आती है, एक अलग सी खुशबू आ जाती है। तो जी प्याज हो चुकी है मेरी। ये मैं इसमें डाल दूंगी अपना लहसुन अदरक का पेस्ट। ये थोड़ा लहसुन अदरक मुझे ज़्यादा लग रहा था, ये मेरी 2 पुथी हैं लहसुन की और छोटे से अदरक, तो ये लहसुन अदरक डालकर भून लेंगे। अच्छा जी मेरा कीमा थोड़ा भुन चुका है, देखिए दूसरे गैस पर ये हो रही है, हमारे घी निकल रहा है, मलाई से मैं निकाल रही हूँ ये घी। इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह ज़रूर दूंगी आपको। तो जी पिसे हुए मसालों में देखिए कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ पाउडर मसालों में जाएगी हल्दी 1/2 चम्मच, बाकी इसमें सब खड़े मसाले देखिए अब मैं डालूँगी सब खड़े मसाले। बाकी बची हुई प्याज इसमें ऐसे ही डाल देंगे, देखिए तो जिसमें अपने खड़े मसाले और प्याज देखे डाल चुकी हूँ। अब मैं ये थोड़ा चम्मच से चला दूंगी। बारिश के मौसम में बहुत बहुत जायकेदार टेस्टी रेसिपीज है ये, बारिश के मौसम में बहुत अच्छी लगती है। इसको पूरियों के साथ, बेसन के पराठों के साथ खाइएगा। तो जी मैं नमक डाल रही हूँ, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो जी ये नमक मेरा इनफ है, मैं इतना ही डालूंगी बच्ची। अब मैं इसमें थोड़ा सा वाटर डाल दूंगी, देखिए प्याज पानी छोड़ती है, इसमें बिल्कुल ज़्यादा पानी नहीं जाएगा, एक छोटा 1/2 कप पानी इसमें जाएगा बस। तो मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा वाटर,
देखिए मैंने बहुत कम इसमें वाटर डाला है, तो जी अब मैं इसमें लगा दूंगी सीटी। अब ये प्रेशर लगाकर मैं 2 सीटी इसकी, 2 विस्टर लेकर मैं प्रेशर में छोड़ दूंगी। बाकी फाइनल लुक मैं आपका दिखाती हूँ। तो जी ये देखिए मेरी हरी मिर्च कीमे का यह है फाइनल लुक। इसको खोलकर भूनना है, भुनाई में आपको हरी मिर्च का ही जायका देना है। जो कम मिर्च खाते हैं वो ये मोटी मिर्च ले सकते हैं, देखिए 2 इंच मोटी, और जो तेज़ मिर्च खाते हैं वो ले ही पतली मिर्च। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अच्छी सी मिर्च काट कर डालकर भुनाई कीजिए। फिर यह है मेरा फाइनल लुक, देखिए हरी मिर्च की नहीं। तो जी आज रिदा गई थी अपनी फूफी साहब के साथ घूमने के लिए, देखिए ये कर रही है मस्ती। तो देखिए इनकी हो रही है फुल ऑन धमाल मस्ती, बहुत खुश हैं ये जी। ये देखिए फूफी साहब ने खूब मजे करवाए हैं इनको। रिदा की बड़ी फूफी साहब के अंदर बहुत बहुत ममता है, बहुत प्यार करती हैं वो सभी बच्चों से। रिदा की सारी फुफियाँ बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। रिदा की 4 फुफियाँ हैं, चारों ही बहुत मोहब्बत करने वाली हैं। तो जी देखिए ये हो रही है फुल धमाल मस्ती जी, देखिए बहुत खुश थी रिदा, बहुत इन्होंने एंजॉय किया। ये देखिए तो जी खूब इन्होंने आइसक्रीम खाई, मस्ती की, हॉर्स चढ़ाया। ये देखिए जब वो रीता आई हैं घर पर बहुत बहुत खुश थी जी, बहुत बहुत उनको देखिए इतनी खुशी से बता रही इन्होंने कैसे एंजॉय किया, इनको कितना मज़ा आया। बहुत फूफी साहब ने बहुत ख्याल रखा, अपने हाथों से खाना खिलाया। अभी आप देखेंगे किस तरह से वो अपने हाथों से खाना खिला रही हैं, बहुत मानता है इनकी फूफी में। बस जी आज का मेरा ब्लॉग था यहीं तक, ये खाना उन्होंने ऑर्डर किया था देखिए। तो अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।